हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और हम आ गए हैं आज एक और नई रीडिंग के साथ। और डेफिनेटली हम आज आए हैं एक प्रिडिक्शन करने, 2021 प्रिडिक्शन, क्योंकि आज है न्यू ईयर, नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई है लोगों की। नया एक सर्कल स्टार्ट हुआ है, जो टाइमिंग है वो अब बदल रही है। आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे कि हम देखेंगे अपने टैरोट से कि 2021 में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, क्या होगा, क्योंकि देखिए नया साल है, नई बिगनिंग है, सब कुछ नया होने वाला है। तो डेफिनेटली इस नए साल के अंदर आप क्या क्या अचीव करोगे, हम वो भी देखेंगे। और डेफिनेटली हम गॉड गाइडेंस तो देखेंगे ही कि गॉड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कि इस गाइडेंस के बेसिस पर आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। और डेफिनेटली गाइज, आज नया साल है और एक नई वाइब आई हुई है आपके पास, आपको एक सेंसेशन फील हो रही होगी बॉडी में, एक अलग तरीके का पूरा माहौल होगा आपके आसपास। तो डेफिनेटली हमारी जो प्रिडिक्शन निकल के आएगी काफ़ी पॉजिटिव निकल के आएगी आपके लिए। और डेफिनेटली हम जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एक गाइडेंस है, आप उसे कैसे अप्लाई करते हो आपके ऊपर, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैं पहले ही बता दूँ, ये सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। तो डेफिनेटली आप इसे जब भी देखोगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी ही। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए निकल के, क्या होती है आपकी 2021 की प्रिडिक्शन। देखते हैं क्या करेंगे आप और कैसा होगा आपका आने वाला साल। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है गाइस। ओके, हमारे पास आया है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, होपफुली आपको एक कार्ड दिख रहा हो। ओके, हाँ, मैं हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, अगेन फायर साइन, ओके, एंड अगेन फायर साइन, वाओ, नॉट अ वैंड। ये बहुत सारे हैं, तो फायर साइन काफी स्ट्रांग है अभी तो। ओके, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, हमारे पास वो वाटर भी आ गया है, एयर भी आ गया है एंड अर्थ भी है और फायर भी है। हमारे पास चारों साइन आ गए हैं। ओके, वाओ, फोर ऑफ बैंड्स। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ओके गाइस, मैं आपको एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम। तो गाइस, मैं आपको साइंस बता दूं, मैंने आपको एयर मतलब फायर साइन बता दिया है आपको, एंड वाटर साइन भी बता दिया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स हमारे पास। हाँ, देखिए यहाँ पर एयर साइन है तो जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अर्थ साइन भी हमारे पास, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, तो सारे ही साइंस हमारे पास आ गए हैं। तो डेफिनेटली ये रीडिंग अब सभी साइंस के लिए हो गई है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और सभी साइंस के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास सारे ही साइंस आ गए हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपको साइंस बता दिए हैं, चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए हमारे पास थ्री एसेज हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली अगर मैं हर एस को देखूं तो मुझे क्लियरली कुछ ना कुछ न्यू थिंग दिख रही है। आपका जो 2021 है वो बहुत ही खूबसूरत बीतने वाला है, बिकॉज हमारे पास थ्री एसेज हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत एसेज हैं हमारे पास तीनों। और अगर मैं आपको इन तीनों कार्डों को एक साथ डिफाइन करूं तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं, एस ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है लव,
जिस भी पर्सन के साथ आप प्यार करते हो या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशन में थे और सेपरेशन हो गया है, तो डेफिनेटली 2021 में आप दोनों वापस से मिलने वाले हो। एक कंपैशन है, क्रिएटिविटी है, लव है, और डेफिनेटली जो लोग सिंगल हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनका तो न्यू रिलेशनशिप बनने वाला है। इससे इस कार्ड से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि न्यू रिलेशनशिप अराइवल है उनकी लाइफ में, अराइव आ रहा है, न्यू नया रिलेशन आ रहा है जो लोग सिंगल हैं। और जो लोग मतलब मे बी जिनका सेपरेशन हो गया किसी भी सर्कमस्टांसिस से, वो किसी ये जो सेपरेशन वाली बात मैं बोल रहा हूँ सभी के लिए है, जो जो भी लोग सेपरेशन में है चाहे किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, उनके बीच में क्लियरिटी आएगी और वापस से आपके पर्सन आपसे मिलेंगे। तो डेफिनेटली बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, 2021 काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है मुझको आपके लिए। और अगर मैं एस ऑफ पेंटिकल की बात करूँ, एस ऑफ पेंटिकल मुझे क्लियरली दिखा रहा है अ न्यू फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी। सीरियसली आपके पास एक नई फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर रहे हो, अबंडेंस की ज़रूरत है आपको डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ से क्लियरली आपकी लाइफ में एक नया नया एक नया रास्ता खुलने वाला है मे बी, यहाँ से मुझे ये क्लियरली दिख रहा है। और वो रास्ता होगा आपके करियर के लिए, क्योंकि लव के लिए हमारे पास एस ऑफ कप्स आ गया है, अनकंडीशनल लव, एंजल्स भी हैं हमारे पास और गॉड का साथ है हमारे पास। और डेफिनेटली अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है न्यू फाइनेंशियल करियर अपॉर्चुनिटीज एंड एस ऑफ सोर्ड्स हमें ब्रेक थ्रू दिखा रही हैं कि नए नए ब्रेक थ्रूज आपके पास आएंगे, नए न्यू आइडियाज, इवन मेंटल क्लियरिटी होगी आपके पास और आपके पास सक्सेस भी होगी। तो डेफिनेटली मुझे क्लियरली यहाँ से तो यही दिख रहा है। और अगर मैं अपने फर्स्ट कार्ड को उठाऊँ जैसे कि हमारा पेज ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, किसी ना कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत इंस्पिरेशन देता है और आपको बहुत इंस्पायर करता है। डेफिनेटली आपके पास न्यू आइडियाज हैं, आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हो, आपका लिमिटलेस पोटेंशियल आपकी सबसे बड़ी पावर है और आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप एक फ्री स्पिरिट हो डेफिनेटली मुझे यहाँ से दिख रहा है। और मतलब अब तक जो भी आपके ऊपर बर्डन्स थे, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ 10 ऑफ वैंड से क्लियरली मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वैंड से कि जो भी बर्डन्स, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हार्डवर्क आपके ऊपर था अब वो कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज 10 नंबर आया, कंप्लीशन का कार्ड है, तो ये साइकिल कंप्लीट होने वाली है डेफिनेटली। और 9 ऑफ वैंड की एनर्जी देख रहे हैं आप, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एनर्जी है, पैशन है, इंस्पायर्ड एक्शन है, एडवेंचर है, और आप थोड़े से इम्पल्सिव हो जाओगे इस टाइम पे। बट हाँ, इम्पल्सिव होना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी एनर्जी को बना के रखो, अपने पैशन को बना के रखो, अपने इंस्पायर्ड एक्शन को बना के रखो, और एडवेंचर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और एस ऑफ कप्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स भी मुझे क्लियरली दिखा रहा है आप काफ़ी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब किंग ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रही है आपकी, आपको अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी, और आप अब आप जो जिस भी पोजीशन पे जाओगे वहाँ पर आप ना ज़्यादा ट्रुथ का साथ दोगे। मतलब मेरे को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है आपको ट्रुथ बहुत पसंद है, आप हमेशा सच के साथ खड़े होते हो। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप सच के लिए खड़े होगे, अपने मेंटल क्लियरिटी रखोगे, कोई भी बिल्कुल भी बायस्ड नहीं रहोगे, अनबायस्ड वे में काम करोगे आप जिस भी अथॉरिटी पोजीशन में जाओगे। और ये मुझे आपकी एनर्जी गेट हो रही है यहाँ से कि आपको मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है 2021 में, एंड इवन आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगी, आपको अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी, एंड ट्रुथ का साथ आप देने वाले हो डेफिनेटली। और जहाँ से कि अगर मैं इसको देखूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ, आपकी जो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है ना, उनको आपको अब किसी एक प्रायोरिटी पर टिकना होगा 2021 में, आपको किसी एक प्रायोरिटी को पकड़ के रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो और न्यू थिंग्स को अडाप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से यही वाइब्स मुझे मिल रही है, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको किसी एक प्रायोरिटी पर रुक के अब स्टिक करने का टाइम आ गया है, बिकॉज आगे चल के एस ऑफ पेंटिकल मुझे यही दिखा रहा है कि अगर आप किसी एक अपनी प्रायोरिटी को पकड़ के रखते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, बिकॉज अगर आप दो चीज़ों में कन्फ्यूज रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल मुझे यही दिखा रहा है कि एक न्यू फाइनेंशियल करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको उन दो सिचुएशन से बाहर निकल के किसी एक सिचुएशन पर स्टिक रहना होगा। डेफिनेटली जब आपको उस करियर अपॉर्चुनिटी में सक्सेस मिल जाएगी तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, जॉय होगा, हार्मनी होगा, रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि देखिए ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है।
ये कार्ड आपकी मुझे विक्ट्री दिखा रहा है, आपकी सक्सेस दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है आपका, कि आप को वो जॉब मिलने के बाद आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हो, जॉय आपकी लाइफ में आ जाएगा, हार्मनी होगी, मे बी ये जॉब मिलने के बाद शायद आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा, कि मुझे यहाँ से रियूनियन भी दिख रहा है। और क्या पता जो लोग सेपरेशन में है उनके पर्सन को जॉब मिलने के बाद या फिर आपको जॉब मिलने के बाद आप दोनों पर्सन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में दोबारा से आ जाओ, क्योंकि उस टाइम पर आप अपनी खुद की ब्रेड बटर कमाने लायक होगी, इंडिपेंडेंट होगे। तो डेफिनेटली 2021 आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत साल बन के आने वाला है। होपफुली भगवान ऐसा ही हो जैसा हमें कार्ड सिखा रहे हैं। एंड फोर ऑफ वैंड हमें क्लियरली दिखा रहा है सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी। तो आपको बस अपने ऊपर वर्क करना है, अपने हार्ड वर्क पे वर्क कर, अपने हार्ड वर्क को बना के रखना है, ओके अपने पोटेंशियल को बना के रखना है, अपने डिटर्मिनेशन को बना के रखना है। और अगर मैं बात करूँ सेवन ऑफ सोर्ड्स की, तो डेफिनेटली आप जिस भी पोजीशन पर पहुंचेंगे वहां पर आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे। क्योंकि देखिए आप जब जब हम कोई हम जब सक्सेस के पड़ाव पर चढ़ रहे होते हैं तो पीछे से हमें खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ लोग धोखाधड़ी करेंगे, आपके साथ आपका साथ भी छोड़ सकते हैं और आपके साथ स्ट्रैटेजीज बना के एक्ट भी कर सकते। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने होंगे, बिकॉज ये जो नया साल है ये आपके लिए बहुत खूबसूरत आ रहा है, पर यस कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में छोटे 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 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और ये ऑब्स्टिकल्स ही दिखा रहा है मुझको सेवन ऑफ सोल्स। तो डेफिनेटली आपको अपने कदम को बहुत ही फूक फूक कर रखना है। अगर मैं बात करूँ इस सोच की, तो क्लियरली दिख रहा है अगर आपने इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नए आइडियाज है, मेंटल क्लियरिटी है, सक्सेस है, ब्रेक थ्रूज है नए नए। और नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो मैं, एक्शन कार्ड गाइज, एक्शन कार्ड। तो डेफिनेटली आप बहुत ही एम्बिशियस हो इस टाइम अपने करियर को और अपनी लव लाइफ को लेके, अपने एक्शन आपका जो होगा बहुत ही आप एक्शन ओरिएंटेड हो इस टाइम पर, जो भी आप एक्शन लोगे बहुत ही क्लियर एक्शन लोगे, आप ड्रिवन टू सक्सेस सक्सीड सॉरी ड्रिवन टू सक्सीड। आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले और आप बहुत ही फास्ट थिंकिंग कर रहे हो इस टाइम पर, अच्छी बात है आप फास्ट थिंकिंग कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है। बट यस अभी आपको आपको अपने आप को ना बैलेंस रख के भी चलने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस रख के चलोगे तभी आपको और अच्छे से चीज़ों की क्लियरिटी मिल पाएगी, वरना थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ से ये तो दिख रहा है कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है आपका 2021। और देखते हैं अब गॉड क्या गाइडेंस दे रहा है आपको, क्या आपको करने की ज़रूरत है और किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि गॉड का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, एंजल्स का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं अच्छे से, देन हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों ने 2021 में बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस देखी होंगी, फैमिली कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेस की होगी। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा आप सभी हम सभी की लाइफ में हुआ है जिससे कि हम थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए थे। बट यस डेफिनेटली 2021 अब जो आ रहा है और जो मुझे कार्ड सिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत साल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम करते हैं कार्ड्स पिक। सॉरी गाइज ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, हम कार्ड पिक करेंगे एंड देखेंगे कि क्या आता है निकल के गॉड की तरफ से हमारे लिए। तो डेफिनेटली गाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं और गॉड डेफिनेटली हमें कोई ना कोई गाइडेंस देंगे, और को जो भी गाइडेंस देंगे हमें उसे फॉलो करना है। चलिए ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू रिलीज योर कन्फ्यूजन, जैसे कि मैं टू ऑफ पेंटिकल से देख पा रहा हूँ, और थोड़ी सी जो इम्पल्सिवनेस है जो मुझे नाइट ऑफ पेंट से दिख रही है वो आपको अपनी लाइफ से रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में और भी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन चीज़ों की वजह से तो वो ना आए। तो डेफिनेटली यू नीड टू रिलीज योर मल्टीपल चॉइसिस, मतलब आई थिंक कन्फ्यूजन एंड इम्पल्सिवनेस। देखते हैं अब आगे क्या कार्ड आता है हमारे लिए। ओके 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 ओके, पहले हमारे पास आ गया था एक कार्ड एंड देन क्लियर, होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करके चलो, बहुत जरूरत है आपको अपने विजन को होल्ड करके चलने की। अपने विजन को जब तक आप एक विजन सेट नहीं करोगे अपने लिए तब तक आप
कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ओके कौन कार्ड आ गया मेरे पास, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ये कार्ड पहले भी आया था बट मैंने पिक नहीं किया था, देन ये अगेन आ गया है। अब आपका जो हार्ड वर्क है, जो भी आपने 2020 में हार्ड वर्क किया है, डेफिनेटली वो 2021 में आपको पे करेगा। आपका हार्ड वर्क आपके लिए रंग लाएगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स आपके पास पहुंचने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीन कार्ड आए गाइस, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर आप चाहते हैं वो आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान ना होइए। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डरों पर काम कीजिए, अपने डर को अपनी स्ट्रेंथ बना के उस पर काम कीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को, जो भी आपके साथ 2021 में हुआ, जो भी क्राइसिस आए, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, काफ़ी लोगों का सेपरेशन भी हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो टाइम ही बहुत अलग था हम लोगों के लिए। काफ़ी लोग हमसे दूर चले गए हमारे, तो डेफिनेटली अब आपको उन सब चीज़ों को धीरे धीरे उन चीज़ों से हील करते हुए, अपने आप को, अपनी सोल को हील करते हुए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है और अपने लिए वर्क करना है। बिकॉज हमारी लाइफ रुकती नहीं है, ज़िंदगी और समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो हम भी नहीं रुक सकते, हमें भी समय के साथ ही चलना पड़ेगा। ये देखिए, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय है हीलिंग का, आप अपनी हीलिंग कीजिए। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आप इम्पॉसिबल में बिलीव करेंगे तभी इम्पॉसिबल बोलेगा आई एम पॉसिबल। ओके सो गाइज, गॉड ने हमें गाइडेंस दे दी है आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपकी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपकी, जो मैंने प्रेडिक्शन निकाली है 2021 की, देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से अपनी फैमिली के साथ हैप्पी न्यू ईयर बनाओ, अपने पेरेंट्स के साथ। अब देखिए, हम कहीं घूमने तो जा नहीं सकते हैं बिकॉज हमारे कंट्री में स्ट्रेंज है, COVID-19 भी, आप COVID-20 भी आ गया है। तो प्लीज़ आप लोग घर पर ही रहिए, हेल्दी फूड खाइए और अच्छे से रहिए। अपने माइंड को हेल्दी रखिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, अपने विजन को होल्ड करके रखिए और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। क्योंकि आप लोग जब मुझे कमेंट्स में बताते हो कि सर हमसे ये रेजोनेट हुआ है, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि हाँ चलो, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जिससे हेल्प हो पा रही है, हीलिंग हो पा रही है लोगों की। बिकॉज मुझे हीलिंग बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और 2021 जो ये नया साल आया है, मैं खुद प्रे करूँगा सबके लिए कि सबकी फैमिली में अब बस खुशियाँ ही आए, कोई भी अब कोई दुख ना देखे। सो गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अभी के लिए बाय। और ध्यान रखना अपना और अच्छे से अपना न्यू ईयर बनाना, और बिल्कुल भी अब नेगेटिव थॉट्स अपने पास मत आने देना, पॉजिटिव रहना। ओके बाय।